शेर को सवा शेर। एक गांव में तीन भाई रहते थे। गप हांकने में उनका जवाब नहीं था। इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे। एक बार तीनों भाई यात्रा पर निकले। रास्ते में वे एक सराय में ठहरे। उसी सराय में एक राजकुमार भी आ ठहरा। उसने कीमती वस्त्र तथा आभूषण पहन रखे थे। भाइयों ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उसके वस्त्र आभूषण हथियाना की योजना बनाई। उनमें से एक भाई राजकुमार से बोला, महाशय, समय काटने के लिए कुछ खेल पहेली हो जाए तो कैसा रहेगा? राजकुमार राजी हो गया। दूसरे भाई ने सुझाया, करते हैं कि हम बारी बारी से गप्पे हांकते हैं। किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हार मान जाए। उसे गप कहने वालों की गुलामी करनी पड़ेगी। राजकुमार यह शर्त भी मान गया। गपोरी बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह ऐसी बेतुकी गप मारेंगे कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजबूर करेंगे। उनके मुंह से ये कैसे हो सकता है निकलवा कर रहेंगे। उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनने के लिए मना लिया। मुकाबला शुरू हुआ। पहले भाई ने गप मारी, बचपन में हम लोग लुका छिपी खेल रहे थे। मैं छिपाने के लिए एक तार के पेड़ पर चढ़ गया। वह तार का पेड़ कम से कम 100 मील ऊंचा था। मैं दौड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। मुझे वही नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि पेड़ इस बीच 50 मील और उग चुका था। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच ही रहा था कि पास से एक बादल का टुकड़ा गुजरा। मैं उसी में घुस गया। जब उस बादल से पानी बरसने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रस्सी की तरफ पकड़ कर नीचे उतरा। राजकुमार केवल मुस्कुराया। भाई निराश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा। दूसरा गपोरी भाई बोला, एक बार मेरी गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। मैं अपनी गेंद ढूंढने झाड़ियों में घुसा लेकिन मुझे अपनी गेंद कहीं नजर नहीं आई। एक चूहा का बिल मुझे दिखा। मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ सैकड़ों हाथी बंधे पड़े हैं। उस बिल में रहने वाला चूहा हाथी चोर था। मैंने उन हाथियों को मुक्त करने का फैसला कर लिया और तो कोई तरीका नहीं था सिवा हाथियों को पकड़कर अपनी जेब में भरने के। सारे हाथी जेबों में आ गए तो मैं बाहर की ओर भागा। तभी हाथी चोर चूहे ने मुझे देख लिया। वह तलवार लेकर मेरे पीछे आया। बिल से बाहर आकर चूहे से डरने चूहे से बचने के लिए उछलकर एक टिड्डे की पीठ पर सवार हो गया और उसे एक चाबुक मारी। टिड्डे ने 8-10 लंबी लंबी छलांगे मारी और चूहा हाथ मलता रह गया। राजकुमार ने सहमति के लिए सिर हिलाया, हाँ मैंने भी तुम्हें टिड्डे पर जाते देखा था। दूसरा भाई भी असफल हो गया। अब बारी तीसरे भाई की थी। वह बोला, एक बार मैं नदी किनारे घूमने गया। वहाँ सारे मछुआरे इकट्ठे होकर रो रहे थे। मैंने कारण पूछा तो बताया कि नदी में एक भी मछली नहीं रही। वह भूखों मर रहे हैं। मैं इसका कारण जानने नदी में उतरा। पानी के भीतर मैं क्या देखता हूँ कि एक व्हेल सारी मछलियों को खा रही है। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे गुस्से की गर्मी से नदी का पानी गर्म होने लगा। पानी गर्म होने से व्हेल छटपटाने लगी और पानी से ऊपर आकर हवा में उड़ गई। उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हम दोनों हवा में उड़ने लगे। व्हेल ने पूंछ झटक कर मुझे गिराने की कोशिश की पर मैं पूंछ नहीं छोड़ी। तभी मुझे एक बहुत बड़ी चट्टान हवा में तैरती नजर आई। मैंने अपने पैर उस पर टिकाए और पूंछ से पकड़कर व्हेल को खूब घूमकर समुद्र की ओर फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उस व्हेल से मछुआरों को निजात दिलाई। राजकुमार ने ताली बजाई, तुमने बहुत बहादुर का काम किया। तीनों भाई असफल हो गए। उनके मुंह उतर गए। पंच ने कहा, राजकुमार अब तुम अपनी गप सुनाओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है अब मेरी कहानी सुनो। मैं एक देश का राजकुमार हूँ। मेरे पास 3 गुलाम हैं। एक दिन वो तीनों मुझे धोखा देकर भाग निकले। तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलाश करता फिर रहा हूँ। आज फिर वे मुझे मिल गए। एक भाई ने पूछा, कौन है वे? राजकुमार मुस्कुराया, तुम तीनों ही तो वह गुलाम हो। अब तीनों भाई फंस गए। अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो शर्त हार जाते हैं और राजकुमार के गुलाम बन जाते हैं। अगर राजकुमार की गप स्वीकार करते हैं तो गुलाम है ही। पंच ने निर्णय दिया कि तीनों भाई हार गए हैं और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे। वे बहुत सिटपिटाए, राजकुमार से माफी मांगने लगे। अंत में राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मुक्त करता हूँ। वो ये कि आगे से उलूल जुलूल बातें बनाकर गांव वालों को न ठगना। गपोरी भाइयों को वचन देना पड़ा। खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।